उधर करें सर, किधर करें सर? ओके, तो बच्चे आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बच्चे हम लोग डिस्कशन किए थे, यस या नो? ठीक है, एक बार इसको फिर से रिकॉल कर देते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट इट इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है तो इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। इट इज डेबिटेड विथ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्या किए जाते हैं? डेबिट में करते हैं। एंड क्रेडिटेड विथ ऑल डायरेक्ट इनकम, और जितने भी इनकम होते हैं उन इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। साफ है क्वेश्चन, है ना? समझ में आया कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो भी डायरेक्ट इनकम होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सवाल यहाँ ये हो रहा है कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है या डायरेक्ट इनकम होता क्या है। तो बच्चे इसको क्लियर हम एक सेंटेंस में बताए थे कि वो सारा खर्च, वो सारा एक्सपेंडिचर, वो सारा स्पेंड जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो, है ना, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, उन सभी खर्च को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और जो बेसिकली ऑफिस से रिलेटेड हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, है ना। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो मेन पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, वो यही है कि टू फाइंड आउट द ग्रॉस रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंट ईयर के एंड में जो भी ग्रॉस रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करना है। अब ग्रॉस रिजल्ट का हम वैदिक फॉर्मूला भी समझाए थे पिछले क्लास में, है ना, इसको अकाउंटिंग प्रिपेयर करके भी। अब ग्रॉस रिजल्ट हम जो लोग जो फाइंड आउट करेंगे, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ हो कि आप ग्रॉस रिजल्ट को फाइंड आउट करो, है ना, कि फॉर्मूला से बनाओ कि आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके बनाओ, तो जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन में लिख दे कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तब तो आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट और था, इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट जो स्टार्ट किया जाता है वो किससे स्टार्ट किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक को डेबिटेड करते हैं, एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंड इसको जो एंडिंग करते हैं हम लोग वो क्लोजिंग स्टॉक। तो डेबिटेड ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिटेड क्लोजिंग स्टॉक, और एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। क्या हो जाएगा? वो निगेटिव बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्च ही आपका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जब आपको इनकम ही ज्यादा हो जाए और एक्सपेंसेस क्या हो जाए? डाउन हो जाए, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मूला से भी आप लोगों को बताए थे कि ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्या, टू वे। दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। फर्स्ट वे इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग ऑफ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड अनदर वे क्या, बाय द फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या बताए थे? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या बहुत सारा जो बुक आप लोग पढ़ोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या नेट सेल्स या सेल्स इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेल का ट्रीटमेंट करते हैं वही आपका क्या करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी का ट्रीटमेंट करेंगे। अब सवाल यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी हम उसको सेल को दिखाते हैं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को दिखाते हैं, तो अगर रिटर्न है तो उसको डिडक्ट करके हम लोग आउटर कॉलम में नेट सेल्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नेट सेल्स, है ना। तो अगर रिटर्न होगा तो क्या लिखेंगे? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और इफ रिटर्न इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? सीधा सेल्स माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स मीन्स टोटल सेल्स। टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, जो हम लोग नगद में सामान बेचेंगे और जो हम लोग उधार में, तो दोनों को ऐड कर देंगे और जो होगा वही क्या हो जाएगा? उसका ग्रॉस ये हो जाएगा, टोटल सेल्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना। हाँ, रिटर्न रहेगा तो डिडक्ट करेंगे, नहीं रहेगा तो नेट सेल्स एज वेल एज क्या, टोटल सेल्स। यस या नो?
अगर रिटर्न इफ रिटर्न इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो टोटल सेल्स एज वेल एज क्या नेट सेल्स, जो टोटल सेल्स होगा वही नेट सेल्स होगा। हाँ अगर रिटर्न दिया हुआ रहेगा तो बोथ आर डिफरेंट, टोटल सेल्स मीन्स क्या रिटर्न नहीं उसमें से डिडक्ट किया हुआ है तो टोटल सेल्स हो जाएगा। मान लो कि आपका सेल टोटल सेल्स आपको 5 लाख रुपया है, कितना है टोटल सेल्स इज रुपीज मान लो 5 लाख है, तो अगर इफ रिटर्न इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में किसको दिखाएंगे डायरेक्ट टोटल सेल्स को दिखा देंगे। हाँ अगर रिटर्न दिया हुआ है तो रिटर्न को हम लोग क्या बताए थे, क्या समझाए थे प्रीवियस क्लास में, रिटर्न को दो नाम से जानते हैं, या तो सेल्स रिटर्न रहेगा या तो रिटर्न इनवर्ड रहेगा, है ना। तो सेल्स रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम क्या टोटल सेल्स। अब इस टोटल से मान लो रिटर्न कर दिए 50,000 का सामान तो इसका मतलब नेट सेल्स क्या हो गया 4,50,000। तो डिफरेंस समझ में आया टोटल सेल्स और नेट सेल्स, ये दोनों में डिफरेंस होगा लेकिन कब, जब रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में रिटर्न दिया हुआ रहेगा तो दोनों में डिफरेंस होगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं रहेगा तो बोथ आर क्या सेम। बच्चे यहां तक समझ में आया आप लोगों को, अब एक क्वेश्चन लिखिए उसको हम लोग क्लियर करते हैं। सॉरी बच्चे ओपनिंग स्टॉक, बच्चे लिखो ओपनिंग स्टॉक रुपीज 5,000, सेल्स ओपनिंग स्टॉक रुपीज 5,000, सेल्स 16,000, सेल्स 16,000, हाँ उसके सीक्वेंस में लिखते जाइए, सेल्स 16,000, कैरेज इन वॉट 16,000, हाँ 16,000, कैरेज इन वॉट 1,000, कैरेज इन वॉट 1,000, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट 6,000, परचेजेस 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट 6,000, परचेजेस 10,000, परचेज रिटर्न 1,000, परचेज रिटर्न 1,000, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बच्चे ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दो फॉर्मूला लिखवाए, यस क्या यस या नो, फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाए थे नेट सेल्स माइनस जीपी, और अनदर फॉर्मूला लिखवाए थे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक तो हमको उसी फॉर्मूला से निकलेगा, यस या नो, माइनस है इक्वल टू यानी बराबर के उधर माइनस है इधर आ जाएगा क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें मैथमेटिकली वी नो दैट, बच्चे यहां ध्यान देना, वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस जीपी क्या हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। अब देखो यहां पर तो बच्चे नेट सेल्स मुझे पता है कि नहीं है, सेल्स पता है उसमें से रिटर्न लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा नेट सेल्स, ठीक है। तो यहां पर एक नोट में हम लोग लिख देंगे नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो लैंग्वेज हो वही लिखिएगा, सेल्स रिटर्न है कि रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न यहां माइनस कर देंगे। तो अब बच्चे बताओ मुझे टोटल सेल्स क्या है 16,000 और रिटर्न कितना था 1,000, 6,000 है, 6 कैसे आएगा 15,000 होगा जी, 15,000
ये समझ में आया बच्चे सभी को? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो 15,000 आ गया, तो क्या मुझे नेट सेल्स पता चल गया 15,000? और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6,000? यस या नो? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया रुपीस? 9,000। अब दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होगा बच्चे फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चे देखो इसका हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। यस या नो? यस सर। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका? 15,000। ऊपर में अभी कैलकुलेट किए हैं, सॉरी ये 9,000 यहाँ पर ये हो गया। अब देखो बच्चे ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में? 5,000। उसके बाद बताओ मुझे, नहीं 5,000 है वो, हाँ 5,000 है वो ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 5,000। आगे देखो नेट परचेजेस, नेट परचेजेस का कॉन्सेप्ट वही टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो बच्चे यहाँ पर 10,000 में से 1,000 माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये 9,000। हम इसको भी वर्किंग नोट कर लेंगे नीचे में, टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, नहीं टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड नेट परचेजेस, है ना। तो नेट परचेज हम यहाँ पर वैल्यू क्या किए, देखो 10,000 है परचेज और रिटर्न है 1,000, लेस कर देंगे तो 9,000 हो जाएगा ये, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे उसका जरूरत है, उसको इग्नोर कर देना है, उस आइटम को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड है यहाँ पर, है ना, कितना है 1,000 है कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पर लिखिए 1,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। यस या नो? अब देखो तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कितना देगा? 15,000 बताया समझ में बच्चे? दोनों पता चल गया, ये नहीं दिख रहा है। अच्छा पहले ऊपर वाला नोट कीजिए, हम इसको ऊपर लिख देते हैं जल्दी से। डायरेक्ट पर्चेज
बढ़ गया बच्चे? सही बच्चे को समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखिए। From the following information, next question, sir. From the following information, calculate cost of goods sold. A number में same to same आप लोगों को revision करने के लिए दे रहे हैं ये। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेकेंड में लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक एंड सी नंबर में तीसरा पॉइंट है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये पीएल का भी पार्ट है, इसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिख लीजिए भाई टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अभी नहीं करना है इसको, क्योंकि जब पीएल का पार्ट बताएंगे ना उस टाइम पे क्वेश्चन लिखा हुआ, दो मिनट में कर देंगे। ओके सर। हाँ, डेटा लिखिए, ओपनिंग स्टॉक 75,000, ओपनिंग स्टॉक 75,000, सेल्स लिखिए 2,25,000, हाँ 2,25,000, नेक्स्ट फ्रेट, एफ आर ई ए जी एस टी, फ्रेट क्या होता है? फ्रेट मतलब ढुलाई वाला, नहीं लोडिंग अनलोडिंग का जो होता है, नहीं जैसे बड़ा बड़ा ट्रक से माल सामान उमान आता है उसको बोरा होगा, हाँ वही भाड़े है, कैरेज है, कैरेज टाइप का हो गया ये, तो लोडिंग अनलोडिंग का जो होता है ना सामान को, ठीक है उसी का एफ आर ई आई जी एस टी, ई आई जी एस टी, कभी कभी इन वर्ड लगा देगा वर्ड, फ्लैट इन वर्ड, फ्लैट ऑन वर्ड, है ना, तो दोनों एक्सपेंसेस है, बट एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन कभी इन वर्ड और आउट वर्ड क्लियर नहीं दिया पड़ेगा तो उस सिचुएशन में वो डायरेक्ट ही होगा। हाँ हाँ, लिखिए वो वर्ड कि आपको आएगा 15,000, 15,000। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट 90,000, ग्रॉस प्रॉफिट 90,000, 90,000, परचेजेस 1,36,500, 1,36,500, 1,36,500, 1,36,500, और लास्ट में लिखा हुआ है नेट लॉस। नेट लॉस इसलिए यहां पर दिया हुआ क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे फाइंड आउट करना है। नेट लॉस फॉर द ईयर 15,000। हाँ बनाए सर। हाँ बनाइए। ये फ्रेट का वर्ड क्लियर हुआ, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये? हाँ बच्चे बनाओ अपने मन से, इसी क्वेश्चन पर जॉबिंग किया है उसी पर है डिपेंडेंट ये। पहला किस बताइए ना क्या? क्या पाला का उसमें सेल्स रिटर्न नहीं दिए तो एक्साइटेड हो जाएगा क्या? जब रिटर्न नहीं होता तो डायरेक्ट अगर रिटर्न नहीं होता तो डायरेक्ट सेल है ना, नहीं होता। बच्चे बातें नहीं करो, बड़ा क्वेश्चन। हां from the following
एक्सरसाइज है ना, और करो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स 2,25,000 सेल्स नहीं है जी, 1,35,000 से जाना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ 1,35,000 अब क्लोजिंग स्टॉक तो आराम से निकल जाएगा। यस सर, सर एक मिनट साइड में फॉर्मूला निकल जाएगा सर, स्टॉक प्लस मोबाइल नहीं, मोबाइल छोड़ दो, इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिए हुए हैं, मोबाइल से कैलकुलेट कर, मोबाइल ऑफ कीजिए। डायरेक्ट इसके ऊपर बच्चे अपने अपने कॉन्सेप्ट को देखते हुए कोई किसी को बताएगा नहीं सर, आंसर कितना है? और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिए। सर आंसर कितना है? किसका? क्लोजिंग स्टॉक। दो आंसर है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक का भी अभी नहीं है, आप लोग बना ली हो 91,500। हाँ तो सर दो कैसे है? एक ऊपर वाला हुआ ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर उसका है 1,35,000। हाँ ठीक है, करेक्ट 91,500 ना सर जी। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो आंसर है वो 1,35,000 है। यस सर। और नेक्स्ट जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो कितना है? 90,500। 91,500। क्या हो रहा है? ठीक है, क्या हुआ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पीएल का पार्ट जब पढ़ाएंगे ना तब उसमें समझा देंगे आप लोगों को, हालांकि उसको ना वो बड़ा समझाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो बच्चे। यही क्वेश्चन को ऐसे नहीं बना सकते सर, ऐसे ही बना सकते हैं, छोटा हो जाएगा ना उसका डेटा, हम ज्यादा सोचते हैं आप लोगों को लिखवा देंगे। एक्सपेंस को पहचानना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यही मेन कांसेप्ट। प्रिपेयर, हां आप बना लिए ना सबको ही? यस
डिफरेंट कितना है सर? आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर है 135,000 और क्लोजिंग स्टॉक का कितना था? 91,500। लिखो क्वेश्चन, लिखिए बच्चे, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट prepare a trading account from the following details prepare a trading account from the following details sequence mein likhte jaiyega jo bhi hai first likhiye purchases purchases 2 lakh bache question nahi chutna chahiye kisi ko bhi परचेजेस 2 लाख लिख लिया सभी कोई? ओके नेक्स्ट परचेज रिटर्न 30,000 30,000 कैरेज इन वॉट यस सर कैरेज इन वॉट 2,000 उसके बाद लिखिए ड्यूटी पेड DUTY DUTY ड्यूटी पेड होता है एक्साइज ड्यूटी सब नहीं होता है सर ये टैक्स में जाएगा ना एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डायरेक्ट इसको मिलेगी सर हाँ ड्यूटी पेड रुपीज लिखिए 10,000 वेजेस वेजेस 22,000 डायरेक्ट जाएगा अब ये मना क्या आप लोगों को समझाएंगे वेजेस 22,000 उसके बाद देखिए गैस वाटर ईटीसी गैस वाटर जो भी इस तरह का आएगा ऑयल गैस ग्रीस वाटर जो भी ऐसा फैक्ट्री में होता है ठीक है सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर गैस वाटर ईटीसी रुपीज लिखिए 6,000 सेल्स लिखिए 4 लाख फिर लिखिए सेल्स रिटर्न 40,000 40,000 सेल्स रिटर्न सेल्स सेल्स 4 लाख और सेल्स रिटर्न 40,000 40,000 उसके बाद देखिए बच्चे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 50,000 उसके बाद लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 30,000 ओके सभी बच्चे ध्यान समझिएगा हम क्या बताए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है इसके डेबिट में सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं या अकाउंट जो बनाना स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक से बनाना स्टार्ट करते हैं डेबिट में देते हैं ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में और इसका बनाने का मकसद जो है उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई एक ही होगा इसीलिए और वर्ड आया है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यही पॉइंट आउट करना हाँ कभी कभी बोथ साइड आर इक्वल है ना कभी कभी ये होगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना तो ग्रॉस लॉस होगा ठीक है तो सबसे पहले बच्चे हेडिंग में क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट अब नाम तो यहां दिया हुआ नहीं है नाम रहता है यहां पर लिखते ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर लोकेश है ना या नाम हो जाता नीचे में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग जिस डेट का बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग अब डेट भी नहीं है छोड़ देना है उसके बाद इसको दो कैटेगरी में बांट देना है लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड देखो बच्चे ये डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया है ना यहाँ पर बाय वर्ड यूज करते हैं और यहाँ पर टू वर्ड यूज करते हैं ये इसका फॉर्मेट है
ट्रेडिंग अकाउंट का। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट हो जाएगा रुपीज लिख सकते हो, फिर यहां पर पर्टिकुलर हो जाएगा, यहां पर अमाउंट हो जाएगा रुपीज हो सकता है। तो इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या, सॉरी ओपनिंग स्टॉक। तो यहां से सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। बताओ क्या है ओपनिंग स्टॉक, कितना है? 50,000। उसके बाद बताओ, बता दीजिए कोई एक सिंगल स्टूडेंट डेटा बता दीजिए। परचेज है 2,00,000। जैसे ही परचेज लिखेंगे तो देखना है कि परचेज रिटर्न तो नहीं है। अगर परचेज रिटर्न है तो उसको इनर कॉलम में लिखना है और डिडक्ट करके आउटर कॉलम में करना है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज, बार बार टू नहीं लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। टू परचेज कितना है? 2,00,000। तो 2,00,000 रुपीज अंदर में लिख दिया इनर कॉलम में, और इसमें से लेस क्या करना है, थोड़ा स्पेस लेकर के, ठीक है ना, लेस 30,000। क्या था परचेज रिटर्न? यस सर। तो यहाँ पर परचेजेस रिटर्न कितना था बच्चे? 30,000। 30,000 अब माइनस करके ये कितना हो जाएगा? 1,70,000। आया बात समझ में, कैसे लिखेंगे इसको हम? यस है ना। उसके बाद बताओ कैरेज इनवॉर्ड, कैरेज इनवॉर्ड 2,000। और बताओ ड्यूटी पे 10,000। वैसे भी पेड और रिसीप्ट, रिपेड वर्ड रहेगा तो वो एक्सपेंसेज ही है और रिसीप्ट रहेगा तो वो इनकम है, ठीक है? तो कितना है ड्यूटी पेड? 10,000। उसके बाद बताओ वेजेस, तो वेजेस हो जाएगा, वेजेस कितना है बच्चे? 22,000। 22,000 और बताओ गैस वाटर एक्सेट्रा 6,000। गैस वाटर ना ETC कितना था? 6,000। सेल्स इनकम है 4,00,000। और रिटर्न भी तो है 40,000। उसके बाद बच्चे बताओ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। और बताओ हो गया सर। तो अब हम लोग को ग्रॉस रिजर्व को क्या करना है, 30-30 फाइंड आउट करना है बच्चे। कैसे करना है, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्या, क्रेडिट साइड। हम लोग गौर से जब देखेंगे तो यहाँ पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड में कितना बचाया है, 3,90,000। और डेबिट साइड में आपका कितना आया है देखो, 22,00,000 आपकी 40 कितना, 2,00,000 कितना हो जाएगा, 2,60,000। आया समझो बच्चे, यस या नो? तो डिफरेंस कितना है, 1,30,000। अब मुझे आराम से आप लोग बताओ, कोई भी बच्चा जिनको नहीं समझ में आया वो भी बताओ मुझे, क्या ये अंतर समझ में आया? और इतना ये भी तो समझ में आ गया होगा कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट यानी इनकम ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा ना, हाँ या ना? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इट इज कॉल्ड क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। बार बार हम ये चीज बोल रहे हैं, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर क्या, डेबिट साइड इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और वाइस वर्सा यानी अपोजिट हो जाएगा, इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। तो ये साइड इनकम है, अगर ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमको तो यही पर 1,30,000 लिखना है, तब ना तुम्हें बड़ा बढ़ाएगा। यस या नो? जब यहाँ पर 1,30,000 हम लिखेंगे तब ना बोथ साइड इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बीडीसीडी नहीं करेंगे इसमें, बीडीसीडी नहीं। हाँ लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीटी, अच्छा। हाँ कर सकते हो, यहाँ पर सीटी, यहाँ पर पीएल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। दो लैंग्वेज लिखते हैं, या तो सीटी बीडी करके लिखिए, या तो आप 1,30,000 मुझे ये बताओ, ये सब बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सभी बच्चे बताओ, कोई दूसरे से, कोई एक दूसरे से मत पूछो, यहाँ पर पहले समझो कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस आइटम को किस साइड दिखाते हैं तो आराम से आपको बन जाएगा। दो चार बार इसको क्या करना है बच्चे, बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ये एक बार में होगा नहीं। एक बार में मान लो आप 75% सक्सेस कर गए, फिर भी 25% रह जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी है, ये डे टू डे आपको होगा, ठीक है? क्योंकि आप एक ही बार में चाहोगे हम 100% कर लें, ठीक है, तो ये थोड़ा समय लगता है इसमें, ठीक है, लेकिन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आएगा, लेकिन थोड़ा तो मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा मेहनत करो,
देखो तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड अब इसको इक्वल करना है ना, इसको दोनों लाइन कर देना है, इधर भी 3,90,000 और इधर भी 3,90,000 और ये जब हम लोग कर देंगे 3,90,000 कर देंगे यहाँ पर, तो डिफरेंस कितना आया 1,30,000 और यहाँ पर क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, या तो आप सीडी लिखो ठीक है, या नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है, अब यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लैंग्वेज है लिखो। आया समझ में? जल्दी से नोट करो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए आप लोगों को। कैरी डाउन ग्रॉस प्रॉफिट कैरी, हाँ इसको आगे ले जाना है मुझे, अब यहीं पर तो नेट रिजल्ट हमको नहीं आएगा, ये तो ग्रॉस रिजल्ट है और मेरा मकसद क्या है नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करना ठीक है। आप तो कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक जगह ले लेंगे और डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम को एक जगह ले लेंगे और दोनों इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन वो रॉन्ग प्रोसेस है, आ तो जाएगा लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तब आपका ग्रॉस रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। और बिजनेस का मोटिव क्या है, ग्रॉस रिजल्ट एज वेल एज नेट रिजल्ट दोनों को फाइंड आउट करना इसका मकसद होता है ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, कर लिए कर लिए, ये लाइक मैंने कर रखे लिए ठीक, यहां बराबर लिखिए यस सर, कहां लिखा जीपीएसडी यहां सर सर के बराबर लिखिए, इसके सामने ले लीजिए अच्छा ऐसे थैंक यू सामने बातें नहीं करो, चलो जल्दी बनाओ। बच्चों को फॉर्मेट हम भेजेंगे, आप लोग को चिंता नहीं करो, आप लोग फॉर्मेट भेज देंगे। अब आप लोग को बुक आप लोग पास में है ना? नहीं। जल्दी नोट हो गया? सीडी डिफरेंस अमाउंट है बच्चे, यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिट क्या है ज्यादा है और डेबिट क्या है कम है,
तो जितना से कम आया उसी को सीडी लिखे हैं, जीपी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, समझ में आ गया। हाँ एक चीज बच्चे याद रखना, एडजस्टेड परचेज, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन ऑन क्या, ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ हो तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नहीं करना, याद रखना एक पॉइंट, कुछ नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना है। सर आप बोले थे एडजस्टमेंट वाला बात नहीं, एडजस्टेड परचेज कभी कभी क्वेश्चन में रहता है ये, उसको मेंशन नहीं करना है क्लोजिंग स्टॉक को, वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो ऑलरेडी तीनों को लेकर के एडजस्ट करके दिया है, इट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। ठीक है सर, वैसा क्वेश्चन करवा दीजिए अगर सर, वो डेबिट साइड ज्यादा हो जाता और क्रेडिट साइड कम होता है, फिर हम लोग इधर बिडिंग करते सर। नहीं वो भी सीटीए होता, बट वहां पर ग्रॉस लॉस हो जाता है, क्या होता है ग्रॉस लॉस, ये याद रखना है। हाँ कहाँ पर, तो अब चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, वो बिडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है बच्चे, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो सीटी हो गया ना। लिखिए क्वेश्चन में एक, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स बच्चे क्वेश्चन लिखिए और इसको खुद आप लोग बनाओगे। हाँ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी जो डिटेल हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिखवाएंगे उसके बेसिस पर बच्चे आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, यानी डेबिट क्रेडिट करना है, कौन आइटम डेबिट जाएगा कौन आइटम क्रेडिट जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट को क्या करना है फाइंड आउट करना है। लिखिए ओपनिंग स्टॉक 90,000, ओपनिंग स्टॉक 90,000, यस सर, परचेजेस ओपनिंग स्टॉक 90,000, परचेजेस 2,62,000, 2,62,000, परचेज रिटर्न 12,000, परचेज रिटर्न 2,62,000 है ना, 62,000, उसके बाद परचेज रिटर्न 12,000, फिर लिखिए सेल्स 5,25,000, 5,25,000, सेल्स 5,25,000, सेल्स रिटर्न 10,000, सेल्स रिटर्न 10,000, वेजेस वेजेस 30,000, 30,000, सेल्स रिटर्न 10,000, वेजेस 30,000, कैरीज इन वॉट 4,200, कैरीज इन वॉट 42,000, 4,200, सॉरी 4,200, फैक्ट्री रेंट 24,000,
हाँ, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज, क्लियरिंग ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज, चार्जेस है, ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेस 20,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस 16,000। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्लिक करके वाटर चार्जेस भी लिख सकते हो, है ना। याद रखना, देखो दो प्रकार का होता है, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग। अगर इस तरह से दोनों अलग अलग वर्ड करके दे, फैक्ट्री लाइटिंग तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, और ऑफिस लाइटिंग होगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब तो डायरेक्ट एक्सपेंस बनाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो डायरेक्टली मानोगे उसको, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 82,000, क्लोजिंग स्टॉक 82,000। बच्चे सभी को ही बनाओ इसको, 82,000। हाँ, यस, बच्चे बातें नहीं करो, बनाओ सभी कोई। देखो जस्ट बताए हैं जी, आंसर हम बता दें आप लोगों को। ये मुझे पता नहीं है, क्यों चेक करें, मैंने बना रहा, बना ली कंप्लीट, मैंने बोला ऐसे नहीं करनी, फेस बनाइए, ऐसे नहीं करनी, वही बनाइए, सर मेरा ठीक है, हम काट लेंगे।